रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एपीएमसी हमीरपुर में 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एपीएमसी आने वाले समय में हमीरपुर, सुजानपुर और जाहू में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है। ये जानकारी एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने एपीएमसी हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक के बाद दी। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान एपीएमसी हमीरपुर ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एपीएमसी आने वाले समय में हमीरपुर, सुजानपुर और जाहू में नव निर्मित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है। ये जानकारी एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने एपीएमसी हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक के बाद दी। बैठक में एपीएमसी के सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने हिस्सा लिया और किसानों के उत्पाद से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। एपीएमसी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान हों। त्रैमासिक बैठक में 2020-21 के लिए 1 करोड़ 25 लाख का बजट प्रपोजल तैयार किया गया है। साथ ही गत वर्ष में हुए आय व व्यय की समीक्षा रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के लिए रखे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टारगेट में अब तक 80 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और अगले 3 महीनों में ये 1 करोड़ 11 लाख से अधिक तक पहुंच जाएगा। एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने बताया कि बैठक में 2020 के लिए बजट प्रपोजल तैयार किया गया है, वो 2019 में हुए आय व व्यय की समीक्षा तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास एपीएमसी द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले समय में हमीरपुर, सुजानपुर और जाहू में नव निर्मित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने आए हुए सदस्यों का आभार व्यक्त किया। पिछले वर्ष हमने लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टारगेट रखा था, जिसमें से अभी तक हम 80 लाख रुपए इसको पूरा कर चुके हैं और आने वाले 3 महीनों के भीतर हम लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए इसको 11 लाख से अधिक जो है वो पूरा कर पाएंगे और आने वाले वर्ष के लिए लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए का टारगेट हमने तय किया है। इसके साथ साथ जिला भर के किसानों को बेहतर सुविधाएं मंडी के माध्यम से प्राप्त हो, इसके लिए भी विशेष प्रयास एपीएमसी हमीरपुर द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में शीघ्र ही सुजानपुर और हमीरपुर में नवनिर्मित और जाहू के अंदर जो नवनिर्मित दुकानें हैं उनका आवंटन किया जाएगा, जिसके लिए प्रक्रिया जारी है। इसके साथ साथ समय समय पर किसानों के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन एपीएमसी के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से और एनिमल हस्बेंड्री और उद्यान विभाग के माध्यम से हम समय समय पर किसानों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हमें आशा है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे।